हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में मेजरमेंट के बारे में जानेंगे। मेजरमेंट, इस सबसे पहले इंट्रोडक्शन मेजरमेंट का देखेंगे। दोस्तों मेजरमेंट जो होता है किसी भी अननोन क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड देखने के लिए करते हैं कि उसका अननोन क्वांटिटी का, जैसे कि कोई भी मान लीजिए स्केल है तो उसका कितना लेंथ है, कितना ब्रेथ है, तो उसका अननोन क्वांटिटी का उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वही हमारा मेजरमेंट हुआ। द रिजल्ट जो होता है मेजरमेंट का, वो मीनिंगफुल होता है। और उसका दो बेसिक रिक्वायरमेंट है, द स्टैंडर्ड यूज ऑफ कंपेरिजन, उसका तो उसका स्टैंडर्ड जो होता है सो कंपेरिजन करते हैं एक्यूरेट, और वह उसी को हम एक्सेप्ट करते हैं। और कोई एपरेटस होता है जो मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट देखेंगे। देयर आर टू मेजर फंक्शन ऑफ आवर ब्रांचेज, इसका दो मेजर फंक्शन है, सिग्निफिकेंस है। तो इसका दो क्या है सिग्निफिकेंस, वो देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसको डिजाइन करते हैं इक्विपमेंट को, जो बहुत से प्रोसेस से जाता है, और इसका प्रॉपर ऑपरेशन और मेंटेनेंस करना बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों मेथड क्या होता है मेजरमेंट का। दोस्तों दो मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड होता है और इनडायरेक्ट मेथड होता है। जैसे कि डायरेक्ट मेथड में होता है, जैसे कि कोई अननोन क्वांटिटी को हम, अननोन क्वांटिटी है तो उसको हम मेजर करते हैं, और उसको डायरेक्टली हम किसी भी कंपेयर करते हैं, तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट से कंपेयर कर देते हैं, तो वह हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया। जैसे कि हम किसी स्केल का लेंथ ब्रेथ हाइट निकालते हैं, या किसी मास का केजी, मास का वेट निकालते हैं, या टाइम निकालते हैं किसी भी चीज़ का, कितना हम डिस्टेंस चल रहे हैं, तो हमारा सिंपल सिंपल मेजरमेंट जो होता है हमारा डायरेक्ट मेथड होता है। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड वो होता है जिसको आसानी से हम लोग नहीं निकाल सकते, जिसके लिए मुझे एपरेटस की जरूरत पड़ती है, और उसमें कुछ डिफ्लेक्शन आ जाते हैं। जैसे कि हमारा हुआ वोल्ट मीटर, एम्पेयर करंट, जो हमारा एनालॉगस सिस्टम में आ गया। दोस्तों एनालॉगस सिग्नल जो होता है हमारा, वह इनडायरेक्ट मेथड में आ गया। दोस्तों इंस्ट्रूमेंट, दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? दोस्तों इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम अपने अपने किसी भी स्केल का, किसी भी सब्टांस का, अपने इक्विपमेंट्स का, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि वोल्ट करंट जितना भी होगा उससे मेजरमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा तीन टाइप का होता है, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो दोस्तों मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक पिछले वीडियो में देख लिए हैं, और इसमें भी थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों यह इंस्ट्रूमेंट जो होता है बहुत ही रिलायबल होता है स्टैटिक और स्टेबल कंडीशन के लिए, और इसको यह रिस्पोंड नहीं कर पाता है। बस इसमें यही डेमेरिट, इसमें गैस वगैरह का भी यूज करते हैं इस मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट में मेजर करने के लिए। जो आपका एनालॉग हुआ, जो जिसमें डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर में, वो सब आपका मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट में आ गया। दोस्तों एलिमेंट ऑफ जनरलाइज मेजरमेंट। अब दोस्तों एलिमेंट जो होता है जनरलाइज मेजरमेंट में किस किस, मान लीजिए कोई भी चीज़ को हम लोग मेजरमेंट करते हैं इनडायरेक्ट मेथड का, तो उसमें कौन कौन चीज़ से गुजरता है, कौन कौन सा प्रोसेस होता है। तो वो पहला प्रोसेस है टाइमली सेंसिंग एलिमेंट, वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट, डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। तो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट पे आते हैं। कोई भी मेजरेंट जो होता है वह फर्स्ट डिटेक्टर जो होता है वह मेजरेंट के ही प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट के द्वारा ही किया जाता है। फिर उसको इमिडिएटली कन्वर्ट कर देता है एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, मेजरेंट को तुरंत कन्वर्ट कर देता है एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सिग्नल सिग्नल में, जिसको हम ट्रांसड्यूटर भी कहते हैं। फिजिकल टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, ट्रांजिस्टर जो होता है दोस्तों वो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायरेक्टली कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बाई ट्रांजिस्टर, हाउ द फर्स्ट फर्स्ट इज नोन एज डिटेक्टर ट्रांजिस्टर स्टेट। तो सबसे पहले हम किसी को कन्वर्ट करते हैं तो उसको ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, और वो सबसे पहले से प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट के द्वारा ही होता है। अब आते हैं वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट। वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट क्या होता है दोस्तों? जब भी प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट से द्वारा हमारा आउटपुट आता है, उसके बाद उसमें कुछ वोल्टेज, कुछ फ्रिक्वेंसी रह जाती है, तो
उसको हटाने के लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर का यूज करते हैं। वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट, द फंक्शन ऑफ दिस एलिमेंट, इसका फंक्शन जो होता है वेरिएबल मैनिपुलेशन का, वह मैनिपुलेट करता है सिग्नल को, जो जो ओरिजिनल नेचर है उसी को रहने देता है, उस ओरिजिनल नेचर को, जो हमारा, जहाँ तक हमारा वेरिएबल वेरिएबल कन्वर्टर एलिमेंट तक जहाँ तक सिग्नल आता है उतना ही तक रहने देता है, उसको चेंज नहीं करता है, उसमें कोई चीज़ की चेंजिंग नहीं आती है, बस उसको मैनिपुलेट कर देते हैं। तो यह एक सीरीज देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारा क्वांटिटी टू मेजर है, वह प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट में जाती है, फिर वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट में, फिर वेरिएबल मैनिपुलेट एलिमेंट में, फिर डाटा डाटा ट्रांसफर एलिमेंट में, फिर डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट में जाती है। डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट क्या होती है? डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट जो होता है पर्सनल हैंडल्ड द इंस्ट्रूमेंट सिस्टम मॉनिटरिंग कंट्रोल और एनालिसिस पर्पज फाइनल स्टेट ऑफ मेजरमेंट टर्मिनेटिंग स्टेज। इसको दोस्तों पर्सनल पर्सनल हैंडल करते हैं, और इस इंस्ट्रूमेंट सिस्टम को जो हम लोगों के द्वारा होता है, इसमें कंट्रोल करते हैं, इसमें आगे से वोल्टेज रेगुलेटर क्या उसमें देना है, तो वो हम लोग होता है जो इसको फाइनल स्टेज है दोस्तों हम लोग कहते हैं। दोस्तों अब इसमें आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें क्लासिफिकेशन पे दो पार्ट आ गए, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट आ गए और सेकेंडरी आ गए। तो एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट में दोस्तों मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल कॉन्स्टेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो मैग्नीट्यूड होता है कोई भी मेजरमेंट का, मेजर क्वांटिटी का मेजरमेंट का, उसको हम फिजिकल कॉन्स्टेंट में रखते हैं, जैसे कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और रेलिंग करंट बैलेंस, वो हमारे दोस्त एब्सोल्यूट हो गया, जिसको मेजरमेंट देता है ये उसी को रखते हैं। सेकेंडरी क्या हो गया? यह इंस्ट्रूमेंट जो होता है कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है कोई भी मेजर का, उसका आउटपुट क्या दे रहा है, जैसे कि वह एनालॉग है कि डिजिटल है, तो वह क्या दे रहा है, वह हमारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का काम है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इसका दो कैरेक्टरिस्टिक आता है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक में दोस्तों यह इन्वॉल्व करता है डिफरेंशियल इक्वेशन, और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक पे यह एग्जामिन करता है डायनेमिक रिलेशन उस एग्जिस्ट बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट डायनेमिक रिलेशन। अब आते हैं दोस्तों स्टैटिक कैलिब्रेशन। स्टैटिक कैलिब्रेशन क्या होता है? स्टैटिक परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑब्टेन इन वन फॉर्म। स्टैटिक परफॉर्मेंस जो होता है वह ऑब्टेन किया जाता है एक फॉर्म में, जिसको कहते हैं स्टैटिक कैलिब्रेशन, जो डिपेंड करता है हमारा एक्यूरेसी, फास्ट एक्यूरेसी, देन सेंसिटिविटी, देन रिप्रोडक्टिविटी, देन उसके बाद ड्रिफ्ट, फिर फिफ्थ में स्टैटिक एरर एंड डेड जोन। यह दोस्तों हमारा 6 पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पे हमारा स्टैटिक कैलिब्रेशन डिपेंड करती है। दोस्तों एरर इन मेजरमेंट नॉर्मल में हम लोग पढ़ लेते हैं ट्रू वैल्यू, टू एवरेज ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेजरेंड वैल्यू व्हेन द एवरेज डेविएशन ड्यू टू द वेरियस कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टेंस टू जीरो। जब भी हम बहुत से इनफाइनाइट नंबर मेजरेंड को हम उसका एवरेज लेते हैं, तो वो हमारा ट्रू वैल्यू जो हमारा जीरो को टेंड्स करता है, स्टैटिक एरर। इसमें डिफरेंस लेते हैं मेजर्ड वैल्यू के और ट्रू वैल्यू के, जैसे AM-AT। अब उसके बाद दोस्तों आते हैं रिलेटिव स्टैटिक एरर। इसमें दोस्तों द रेशियो लेते हैं एब्सोल्यूट स्टैटिक एरर डेल ए टू द ट्रू वैल्यू AT, जो हमारा ट्रू वैल्यू आता है और स्टैटिक एरर आता है उसी का हम दोस्तों इसमें रेशियो लेते हैं। परसेंटेज स्टैटिक एरर जो हो गया, ER हो गया, उसको ER x 100 कर देते हैं, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है दोस्तों AM-E0। तो उसको E0 को दोस्तों ER x 80 लिखते हैं, तो फिर उसके बाद इसको फॉर्मूला पे टूट जाएगा दोस्तों AM/1+ER। तो यहाँ से हमारे इस 80 की वैल्यू आ जाएगी। अब आते हैं दोस्तों स्टैटिक करेक्शन कैसे होती है। इट इज द डिफरेंस द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। दोस्तों यह हमारा डिफरेंस होती है ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू किसी भी क्वांटिटी के। तो DLC इज इक्वल टू AT-AM, जिसको हम स्टैटिक करेक्शन भी कहते हैं। दोस्तों एक सिंपल सा इसमें क्वेश्चन है,
जो इसका एरर हमको निकालना है, डेल ए निकालना है, तो इसमें एम की वैल्यू दे रखी है और एटी की वैल्यू दे रखी है, जिसके आंसर वैल्यू पुट की और आ गई आंसर। और उसके बाद दोस्तों हमारा स्टेटिक करेक्शन जो होता है डेल सी और डेल ए के बराबर होता है, जो उसके निगेटिव में आती है वैल्यू, तो -0.07 हो गई। सेम वही दोस्तों है, एटी है, एम की वैल्यू दे रखी है, डेल सी की वैल्यू दे रखी है, तो वहाँ से हम लोग निकाल लिए हैं स्टैटिक करेक्शन गिवन इन करेक्शन कर्व -0.08। यहाँ पे स्टैटिक करेक्शन की वैल्यू दी है और थर्मामीटर डिस्टेंस कितना है, मेजरमेंट की वैल्यू दे रखी है। अब दोस्तों आते हैं डायनेमिक रेस्पॉन्स पे। डायनेमिक रेस्पॉन्स क्या होती है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रांजियंट रेस्पॉन्स। कोई भी किसी भी सिस्टम का हम लोग ट्रांजियंट स्टेट में जानते हैं, तो उसी को हम ट्रांजियंट रेस्पॉन्स कहते हैं। स्टेडी स्टेट पोजीशन जो होता है, सबसे पहले ट्रांजिट स्टेट में जाने से पहले इंस्ट्रूमेंट पहले स्टेडी स्टेट में आता है, उसी को हम लोग स्टेडी स्टेट पोजीशन कहते हैं। अब इसमें डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी मेजरमेंट जो होता है, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक जो होता है किसी भी मेजरमेंट सिस्टम का, वह फोर थीम पे डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स, लैगिंग, मेजरिंग फिडेलिटी, डायनेमिक एरर। दोस्तों इसको याद करने के लिए DSLR याद कर सकते हैं, या DSLR यूज करेंगे तो F ऑटोमेटिकली आप लगा दीजिएगा। तो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स पे क्या होता है दोस्तों, यह रिस्पॉन्ड होता है चेंज इन मेजर्ड क्वांटिटी, जो हमारा मेजर्ड क्वांटिटी में जो चेंज होता है उसी को स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स बोलते हैं। रेस्पॉन्स टाइम दोस्तों, रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, यह डिफाइंड किया जाता है कोई भी टाइम रिक्वायर्ड होता है किसी भी सिस्टम को उसको फाइनल स्टेडी पोजिशन में फाइनल वैल्यू देने के लिए, उसी को हम लोग रेस्पॉन्स टाइम कहते हैं। मेजरिंग लैग, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है अपना इमिडिएटली चेंज नहीं करता अपना वैल्यू, यह थोड़ा टाइम डिले लेता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है उसको जो वैल्यू है देने में, उसी को मेजरिंग लैग कहते हैं। फिडिलिटी, यह एक ऐसा एबिलिटी है किसी भी सिस्टम का जो बड़ी प्रोड्यूस करता है आउटपुट इन द सेम फॉर्म एज द इनपुट, जैसा जितना इनपुट था और उतना ही आउटपुट है वही दे देगा, तो वही हमारा फिडेलिटी कहलाएगा। डायनेमिक एरर, यह डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी विथ टाइम एंड द वैल्यू इंडिकेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट इफ नो स्टैटिक एरर इज अज्यूम्ड। मेजरिंग लैग दोस्तों, मेजरिंग लैग को रिटार्डेशन टाइप और टाइम डिले भी करते हैं, तो रिटार्डेशन क्या होता है, इन दिस केस ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बिगिन इमिडिएटली आफ्टर चेंज। दोस्तों कभी रिस्पॉन्स जो होता है इंस्ट्रूमेंट का वो इमिडिएटली दे देता है, उसी को कहते हैं रिटार्डेशन, टाइम डिले। टाइम यदि वो रिस्पॉन्स लेने में थोड़ा लेट हो और उसके बाद वो नहीं हो, उसी को टाइम डिले कहते हैं। ये है टाइम डिले का, इसको इसमें डेड जोन आ जाता है। स्टैंडर्ड सिग्नल, कोई भी मेजरमेंट होता है सिस्टम का उसको सब्जेक्ट करते हैं, एनी टाइप ऑफ इनपुट, द टाइप ऑफ इनपुट सिग्नल कैन नॉट बी अहेड ऑफ टाइम। स्टेप, रैंप, साइनोसॉइडल, ये वेरियस टाइप है मेजरमेंट सिस्टम का हम लोग देखते हैं। अब आते हैं दोस्तों मेजरमेंट टाइम, डिफ्लेक्शन टाइम इंस्ट्रूमेंट। डिफ्लेक्शन टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है दोस्तों, हम लोग गैल्वेनोमीटर में देखते हैं कोई भी क्वांटिटी को यदि हम प्रोड्यूस करते हैं इफेक्ट आदर इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट है, यह हमेशा प्रोड्यूस होता है इसमें टॉर्क के द्वारा होता है, जैसे कि हम इसको मैकेनिकल डिफ्लेक्शन भी कहते हैं। डिफ्लेक्शन टाइप सिस्टम, द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड प्रोड्यूस एन इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट। डिफ्लेक्शन टाइप सिस्टम जो होता है क्वांटिटी मेजर्ड किया जाता है, प्रोड्यूस करता है इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट यूजिंग स्प्रिंग सिस्टम। इसमें दोस्तों स्प्रिंग सिस्टम का दोस्तों हम लोग यूज करते हैं, और यह टॉर्क कंट्रोल करता है बाय रिस्टोरिंग टॉर्क देन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन। व्हेन द टॉर्क, जब भी टॉर्क इन्वॉल्व करता है, अचीव करता है एक इक्विलिब्रियम स्टेट में, तभी इसका हम वैल्यू निकाल पाते हैं। अब आता है नल नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। इस नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में दोस्तों हम लोग क्वांटिटी जो मेजर करते हैं प्रोड्यूस होता है इफेक्ट दैट इट कंपेयर करते हैं ऑलरेडी कैलिब्रेटेड इफेक्ट ऑफ अनदर सिस्टम। इट इज अचीव्ड बाय सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर दैट शोज अ डिफ्लेक्शन फॉर एनी अमाउंट ऑफ डिफरेंट बिटवीन द मेजर्ड इफेक्ट इज कैलिब्रेटेड इफेक्ट।
बाय मैनुअल और ऑटोमेटिक कंट्रोल द कैलिब्रेटेड इफेक्ट इज वेरी अंटिल इट बिकम्स इक्वल। अब दोस्तों हम लोग एरर पे आते हैं, तो हमारा सिस्टमेटिक एरर क्या होता है। दिस टाइप ऑफ एरर्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। दोस्तों इस टाइप ऑफ एरर को हम लोग थ्री टाइप में डिवाइड करते हैं, इंस्ट्रूमेंट एरर, एनवायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है दोस्तों, यह हमारा इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग इन द इंस्ट्रूमेंट में आ जाती है, ड्यू इसको मिस यूज के चलते आ जाती है और लोडिंग इफेक्ट के द्वारा आ जाती है। अब इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, यह एरर जो होता है इनहेरेंट इन इंस्ट्रूमेंट ये होता है मैकेनिकल स्ट्रक्चर के द्वारा होता है। इसमें कैलिब्रेशन या ऑपरेशन जो होता है इंस्ट्रूमेंट का मेजरिंग डेविएशन हो जाता है दोस्तों। इस एरर में दोस्तों हम लोग इंस्ट्रूमेंट को रेट करते हैं लो टू हाई में, जैसे कि हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं प्राइम द इन प्राइम द स्प्रिंग यूज टू प्रोसीड्योर कंट्रोलिंग टॉर्क व्हिच यूज टू बिकम वीक एंड द इंस्ट्रूमेंट विल ऑलवेज रीड द हाई। एलिमिनेट बाय फॉलोइंग मेथड, कुछ हम इसमें एरर को किस तरह एलिमिनेट करते हैं तो वो देख लेते हैं। कुछ प्रोसीड्योर है मेजरमेंट का जो केयरफुली प्लान किया जाता है, कैलिब्रेशन जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं, जैसे करेक्शन फैक्टर देख सकते हैं शॉर्ट अप्लाइड आफ्टर डिटरमाइनिंग द इंस्ट्रूमेंट एरर, इंस्ट्रूमेंट मे बी रिकैलिब्रेटेड केयरफुली, मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कुछ एरर जो होता है कॉज किया जाता है इन द मेजरमेंट आर ड्यू टू द पार्ट ऑफ द ऑपरेशन देन डेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अ गुड इंस्ट्रूमेंट यूज इन द यूनिट डिजिडेंट मे गिव इनकरेक्ट रिजल्ट। दोस्तों कुछ ऐसा प्रैक्टिस होता है जैसे कि जैसा इंस्ट्रूमेंट का उसका कैरेक्टर है उसका होता है, मैन्युफैक्चर करते समय उसका कुछ स्पेसिफिकेशन जो होता है कुछ मिस्टेक हो जाता है, उसमें कुछ ओवर हीटिंग के द्वारा ओवर लोडिंग के द्वारा उसमें कुछ आ जाती है मिस्टेक, लोडिंग इफेक्ट। दोस्तों लोडिंग इफेक्ट कब होता है, यह लोडिंग इफेक्ट दोस्तों कब होता है, यह मोस्ट कॉमन है कभी भी हम जैसे कि रेसिस्टेंस को हम लोग अंदर वोल्टेज मीटर को हाई रेसिस्टेंस में जब जोड़ देते हैं तो वह हमारा गलत रीडिंग देता है। देख सकते हैं अ वेल कैलिब्रेटेड वोल्टेज मीटर अ मिसलीडिंग वोल्टेज रीडिंग व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द हाई रेसिस्टेंस सर्किट। वही सेम वोल्ट मीटर को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं अलाउ रेसिस्टेंस सर्किट में भी गिव मोर रिलायबल रीडिंग, यह हमारा लोडिंग इफेक्ट हुआ जो हमारे इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी डिस्टर्ब इन केस ऑफ इंटर मे स्पेसिफाइड रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आते हैं दोस्तों इन्वायरमेंटल एरर। दोस्तों इन्वायरमेंटल एरर हमारा टेम्परेचर की वजह से होता है, जब भी हमारे सराउंडिंग का जो टेम्परेचर पर ही ज़्यादा या कम हो जाता है तो जिससे हमारे इंस्ट्रूमेंट में भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। इसको कैसे रिड्यूस करते हैं दोस्तों, तो हमें इसमें कॉन्स्टेंट एज पॉसिबल जितना कॉन्स्टेंट पॉसिबल हो तो उस टेम्परेचर में अपने डिवाइस को अपने इंस्ट्रूमेंट पर रखना चाहिए। दोस्तों टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ मेजरमेंट को बहुत इसमें परफेक्ट एक्यूरेसी नहीं रहता, उसमें थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो इसमें कुछ एरर देखेंगे जैसे ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर। दोस्तों हम लोग सिस्टमेटिक एरर पढ़ लिए हैं, ग्रॉस एरर पढ़ेंगे और रैंडम एरर पढ़ेंगे। तो ग्रॉस एरर क्या होता है, द क्लास ऑफ एरर इज मेनली कवर ह्यूमन मिस्टेक इन रीडिंग इंस्ट्रक्शन एंड रिकॉर्डिंग द कैलकुलेटिंग द मेजरमेंट रिजल्ट। दोस्तों यह एरर ऐसा होता है जो ह्यूमन के द्वारा होता है, जो हम लोग पढ़ने में गलती कर देते हैं, रिकॉर्डिंग कर गलत लिख लेते हैं, वह ग्रॉस एरर में हो गया। लिमिटिंग एरर, लिमिटिंग एरर को ही दोस्तों हम लोग गारंटी एरर करते हैं, जो हमारा टाइप्स ऑफ एरर यही सब हो गया ग्रॉस, सिस्टमेटिक, रैंडम्स, और इसी को थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर पढ़ लिए हैं, इन्वायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर पढ़ लिए, लिमिटिंग एरर दोस्तों हमारा द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन जो होता है, कोई भी एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का डिपेंड करता है उसके डिजाइन पे, उसके मटेरियल यूज पे, वर्कमैनशिप जो वर्क उससे कर रहा है वह इंस्ट्रूमेंट को जो बनाता है वह हमारा लिमिटिंग एरर कहलाता है। ये बहुत से इंस्ट्रूमेंट जैसे होते हैं डेट एक्यूरेसी भी गारंटेड विद द इन सर्टेन परसेंटेज फुल स्केल रीडिंग, जैसे डिजिटल होते हैं उसकी एक्यूरेसी जो हमारी परफेक्ट होती है। कंपोनेंट्स आर गारंटेड टू विथ
कुछ कंपोनेंट्स उसको गारंटी करते हैं सर्टेन परसेंटेज रेटेड वैल्यू से। दस कुछ मैन्युफैक्चरर्स होते समय अपने लिख देते हैं कि मेरा कितना नॉमिनल वैल्यू है इस क्वांटिटी का। थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा प्लीज। आप इससे आपको कुछ भी लॉस नहीं होने वाला है दोस्तों। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें, इससे आपको कुछ लॉस नहीं होने वाला है दोस्तों।